मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी की निर्मम हत्या, खून से लथपथ मिली लाश, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत महोखर गाँव में स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गयी। पुजारी कई वर्षों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिर के बगल में ही पुजारी का घर है, उसी घर में आज सुबह खून से लथपथ उनका शव पाया गया। ये घर नया बना था, परिवार के अन्य सदस्य पुराने घर में रहते हैं। अज्ञात व्यक्तियों ने किसी धारदार हथियार से हमला करके पुजारी की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार गांव में राम जानकी मंदिर में करीब 60 वर्षीय शत्रुघ्न तिवारी कई वर्षों से पूजा पाठ कर रहे थे। इसी मंदिर के ठीक बगल में एक नया मकान बना था, उसी मकान में वो रहते थे। आज सुबह स्थानीय लोग जब मंदिर गए तो वहां पर पुजारी नहीं थे। कुछ लोगों ने उनको ढूंढते ढूंढते जब उनके घर के अंदर गए तो वहां पर उनका शव पड़ा हुआ था। शव पर गंभीर चोट के निशान थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के निरीक्षण से साफ है कि हत्या की गई है। स्थानीय लोगों से बात करके ये पता लगा है कि पुजारी और उनके बेटे में कोई विवाद चल रहा था। पुलिस हर पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाए। तो ये आज हम लोग को सूचना मिली कि गांव महोखर में एक व्यक्ति हैं शत्रुघ्न तिवारी, जिनकी डेड बॉडी पड़ी है उनके घर में। इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी है। हम लोगों ने पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखा है। प्रथम दृष्टया ये हत्या प्रतीत हो रही है। बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया गया। आगे की जो विधिक कार्रवाई है मुकदमा लिख के की जा रही है। सर, जानकारी ये भी आई है कि पिता और पुत्र में अक्सर झगड़ा भी होता था। देखिए, अभी जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें जाँच के तहत आई हैं वो ये है कि इन लोगों के बीच में कुछ टेंशन्स थी और पिता और पुत्र के बीच में काफी अनबन चल रही थी, तो उस एंगल पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।